I'm Mehri Nazir. And I'm Suresh Shabi. We are from Islamia Public School. To let you know more about garbage system and how do we decompose in Leh. Let's talk to sir. One by one, you are watching the picture. Suresh, are you still there? जो गीला कूड़ा होता है वो कहाँ जाता है? नहीं, गीला कूड़ा पे नहीं है, ये सूखा का है। ये जो हम कर रहे हैं ये बायोमास इसमें हम लोग सूखे कूड़े को करते हैं। जो भी गीला कूड़ा है उसका अलग से प्लांट है। तो ये जो सूखा कूड़ा है वो आप लैंड फिलिंग करते हो? यहाँ लैंड फिलिंग हुआ है, उसको हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग हम लोग प्लास्टिक, कपड़ा, पत्थर और मिट्टी अलग करते हैं। यहाँ पे ग्लास डिकम्पोस्ट होता है, ग्लास का और प्लास्टिक का, इसके लिए अलग से प्लांट लगा हुआ है, उसका अलग प्रोसेस है। ऐसा रहेगा तो उसके लिए तो हम लोग कोई इफेक्ट ना हो एनिमल के लिए, तो इसके लिए तो हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं ना। ऐसा पड़ा नहीं रहेगा, फिर उसको प्रोसेस में ले लेंगे तो एनिमल को जो सिंथेटिक क्लोज होते हैं जैसे नायलॉन रेयॉन, उनको आप डीकंपोज करते हैं? जी जी। उनको कितना टाइम लगता है? उसके लिए प्लांट लगा हुआ है सामने, उधर करते हैं हम लोग, उस प्लांट में नहीं करते। बायोमानी प्लांट अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। प्लांट है वो जो हम लोग मतलब जो पुराना वेस्ट पड़ा हुआ था उसको हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं। वो बाकी का हमारा यहाँ कंपोस्ट का, उसका प्लास्टिक का वो प्लांट नहीं है, हम लोग करके अलग अलग प्लांटों में दे रहे हैं, अलग अलग उनको मटेरियल ऐसे हम लोग अलग करके सिर्फ दे दे रहे हैं। चलाने का कंपोस्ट नहीं कर रहे हम लोग, रिसाइकिल कर रहे हैं। अभी तो हम लोग प्लांट ही लगाए हैं, मतलब हम लोग ये पूरा रिसाइकिल करने का ही हमारे यहाँ से जितना था एरिया वो पूरा रिसाइकिल करने का था, अभी कर दिए हम लोग, लगभग ख़त्म होने वाला है, 5-10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो मटेरियल पड़ा था यहाँ पे उसको रिसाइकिल कर दिए। आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो जो अभी वेस्ट जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कौन किसको दे रहे हैं, है ना सर? ये भी पूछ सकते हैं ना, पूछिए थोड़ा लाउडली, पूछिए ना सर। यस आदमी लगते हैं, एक शिफ्ट में 10-15 आदमी लगते हैं, लेबर कुछ मैनुअल भी काम होता है, कुछ ऑटोमेटिक काम होता है। जैसे हमारा जो मिट्टी है वो गार्डन के लिए और फार्मर ले जाते हैं, पत्थर है वो रोड के लिए, फिलिंग के लिए अलग अलग जगह, जो प्लास्टिक निकलता है उसके लिए इधर मशीन लगा हुआ है, वहाँ पे जाते हैं। सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि आप जो रिसाइकिलिंग करते हैं उसमें सबसे कठिनाई किसमें आती है, कि रिसाइकिल करते वक्त सबसे मुश्किल क्या है उसमें?
सबसे मुश्किल का मतलब ये जो बड़ा पत्थर है ये मैनुअल हम लोगों को निकालना पड़ता है, बाकी सब जो काम है वो ऑटोमेटिक होता है मशीन से। ये सब ये टाइम लेता है। हाँ, इसमें थोड़ा हाथ से उठाना पड़ता है, भारी पत्थर है यहाँ। ये आप ये कचरा सारा उठा के कैसे लाते हैं यहाँ पे रिसाइकल करने के लिए? हम ट्रक से लाते हैं, डंपर से, डंपर और पोकलैंड से रखते हैं, वहाँ लोडिंग के लिए पोकलैंड रखते हैं, मशीन जो पोकलैंड चल रही है और डंपर रखते हैं, उससे उठा के यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ से जेसीबी से उठा के फिलिंग करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आपने कहा कि जो आप यहाँ से रिसाइकल करते हो वो आप फार्मर्स या गार्डनिंग के लिए बेचते हो, तो ये फूड को इफेक्ट नहीं करेगा हमें? नहीं नहीं नहीं, उसका सब रिपोर्ट लैब से आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ से इनकम मिलता होगा, आप उन इनकम का किस में इस्तेमाल करते हैं? उसका इनकम, जैसे कि आप लोग यहाँ पे काम करो तो सब कुछ इनकम मिलता होगा आपको, आप उसको किस में इस्तेमाल करते हैं? मटेरियल से इनकम होता है, तो उसके लिए तो हमारा तमाम है ना, मशीनरी का है, उसका डीजल का है। पहले जगह जगह पे वो डस्टबिन थे, वो क्यों हटाएंगे? वो डस्टबिन का हमारा सिर्फ आप लोग का जो मटेरियल पड़ा है उसको लाते हैं, हम सिटी से नहीं लाते हैं। डस्टबिन का जो डेली का जो आपका निकल रहा है वेस्ट, वो जो उसके लिए अलग प्लांट लगा हुआ है। तो कैसे करते हैं वो रिसाइक्लिंग कैसे करते हैं? मेरा ये फिर से क्वेश्चन है कि जो लैंडफिल जो हम ये करते हैं लैंडफिल, वो क्या वातावरण के लिए सही है कि नहीं? ये क्या आपसे क्या कोई नुकसान क्या हो जाता है, क्या हेल्प? नहीं नहीं, वो तो लैंडफिल बनाई जाती है तो उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसमें नुकसान करने जैसा नहीं। आप बताएंगे कैसा? नीचे ये पूरा प्लास्टिक लगा के और नीचे पूरा कंक्रीट करके सब बनाया जाता है व्यवस्थित, गैस निकलने के लिए, लीचर निकलने के लिए अलग प्रोसेस है। अभी आप पूछ सकते हैं, हमारे इस प्लांट से संबंधित नहीं है। नहीं, यहाँ लैंडफिल का नहीं है, लैंडफिल जो है वो हमारे इसमें नहीं आता है। हम लोग सिर्फ जो है बायो माइनिंग करते हैं, जो पुराना वेस्ट पड़ा हुआ है उसको हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं, और जो लैंडफिल आता है वो जो नया जहां आपका वेस्ट जा रहा है तो लैंडफिल की ज़रूरत उनको पड़ती है। यहां पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन उसके लिए उनके लिए है सब, उनका इंश्योरेंस वगैरह है, बाकी उनको काम करते टाइम मास्क हेलमेट सैनिटरी नैपकिंस और हगीज बच्चों के क्यों नहीं लेते? नहीं, वो आप लोग क्वेश्चन ही हमसे अलग फील्ड का ले रहे हैं, वो क्या लेते हैं नहीं लेते हैं वो हमारा नहीं है मैटर, हम सिर्फ जो है बायो माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आते कि नहीं आते? नहीं नहीं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आता। क्या आया क्या नहीं आया? ये जो जो आपका अभी सिटी से जो वेस्ट निकल रहा है वो दूसरे प्लांट में जाता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हमारा जो प्लांट है जो पहले से पड़ा हुआ है 500 साल से जो यहाँ वेस्ट ला के रखा हुआ है वो हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, ये भी फिर जो वो गार्बेज वो कहाँ जा रहे हैं? उसके लिए कोई प्लांट अलग लगा हुआ, हमको आइडिया नहीं वो कहाँ पे, हम देखेंगे। कंपनी में ओके सर, वहीं लेते हैं पूरा पूरा वहीं लेते हैं, दोनों भी वहीं लेते हैं सर। तो ये दोनों वहां लेते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। अगर होती भी है तो जो गवर्नमेंट है वो आपको कैसे मदद कर सकती है? आप गवर्नमेंट से तो नहीं, हम लोगों का है, हम लोग कंपनी से हैं, कंपनी हमारा बाकी सब देखती है, मेडिकल वगैरह का इंश्योरेंस का जो भी है कंपनी के थ्रू है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था कि आप ये जो रिसाइकल कर रहे इससे इन्वायरमेंट को कुछ हार्म नहीं पहुँच सकती है ना?
धूल उड़ रहा है इतना बदबू तो उसमें, या फिर आपके वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं ऐसा मतलब उसके लिए हम लोग पूरा जो है सेफ्टी के लिए ध्यान रखते हैं। थैंक यू सर। जा रहे हैं वो तो कहीं और ले जा रहे हैं, किसी कंपनी में ले जा रहे हैं, उस कंपनी का वेन्यू कहाँ पे बताएंगे आपको सर, पता है? अच्छा नहीं।